हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग अगेन। तो हाँ, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और लंच हमने दोपहर में पंजाब में एक ढाबे में हमने लंच किया। उसके बाद हम शाम को हरियाणा सोनीपत में यहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता कर लिया। सुना है कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, तो पता नहीं हम दिल्ली कितने बजे पहुँचेंगे, पर बहुत जल्द हम पहुँच ही जाएंगे। अभी रात के 8 बजे हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं दिल्ली। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सुबह सुबह निकल पड़े दिल्ली मेट्रो से। तो चलिए चल के देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट स्पॉट है न्यू पार्लियामेंट, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। तो हम थोड़ा सा बैक साइड से दिखाने वाले हैं, क्योंकि परमिशन नहीं है अंदर जाने के लिए, और ये ऑब्वियस है कि किसी को अलाउ तो नहीं करेंगे, बट फिर भी देखने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ से दिखाने का ट्राई कर रही हूँ मैं। देखते हैं, देखती हूँ कि मैं पूरी तरह से इसको दिखा पाती हूँ कि नहीं। हमने ऑटो हायर किया और ऑटो से हम जा रहे हैं तो फ्रंट साइड के तरफ, जहाँ पे कि ओल्ड पार्लियामेंट भी है और न्यू पार्लियामेंट और दूसरे पीएमओ ऑफिसेज भी हैं। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, वंदे भारत का एक मॉडल रेल भवन है। तो जनपथ में हम पहुंच गए हैं। ये है पुराना और ये देखिए नया संसद भवन, और ये संसद मार्ग है जहाँ पे कि बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफिसर भी, ये देखिए पुराना संसद और ये सारे मिनिस्ट्री ऑफिसर्स हैं। हम थोड़ा अंदर के तरफ भी जाएंगे और देखिए नया पार्लियामेंट भी दिख रहा है दूर से। हम पास में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर परमिशन नहीं है
बस दूर से ही दिखाई दे रहा है वो। हमें कैसे करके थोड़ा मौका मिल गया अंदर आके कुछ मिनिस्ट्री ऑफिसेस पास से देखने के लिए, पीएमओ ऑफिस और जैसे कि अदर मिनिस्ट्री ऑफिसेस हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिसेस हो गया, तो उसके आसपास थोड़ा हमको पास से देखने के लिए मौका मिल गया। ये देखिए, देखिए दूर से यहाँ से न्यू पार्लियामेंट भी दिख रहा है और शायद ये पुराना भी दिख रहा है। हाँ, न्यू और पुराना दोनों ही दिख रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन का जो मार्ग है जहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन यहाँ पे ही होता है ये, और देखिए दूर से दिख भी रहा है हमको भवन, राष्ट्रपति भवन। और हम अभी चलेंगे इंडिया गेट के तरफ। हमने अंडरग्राउंड का रास्ता पकड़ा इंडिया गेट के तरफ, इंडिया गेट के पास जाने के लिए जो अंडरग्राउंड का वे है वहाँ से हम जा रहे हैं। तो अंडरग्राउंड का रास्ता ख़त्म हुआ और हम बहुत ही पास आ गए अभी इंडिया गेट के पास। तो चलिए चल के देखते हैं। धूप भी बहुत है, आप देख के समझ ही पा रहे होंगे ये जून का महीना है और धूप तो इतनी कड़क है कि मत पूछिए, बहुत धूप थी। तो फाइनली हम इंडिया गेट के पास पहुंच रहे हैं, तो चलिए जाके एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं जून के महीने में भी, फिर भी रश उतना नहीं दिख रहा है बिकॉज़ धूप ही इतनी है। अराउंड 50 डिग्री के आसपास थी हम जब गए थे जून में। यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है।
चलिए अभी चल के देखते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में, और वॉर मेमोरियल को भी एक्सप्लोर करते हैं। हम जब पहले एक बार आए थे तब ये था या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर हाँ इस बार हम देख रहे हैं कि वॉर मेमोरियल भी बना है, तो नेशनल वॉर मेमोरियल को जाके देखते हैं। इंडिया गेट के बिल्कुल पास है, आप चल के भी जा सकते हैं। जब भी विज़िट करें इंडिया गेट तो आप नेशनल वॉर मेमोरियल भी ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए हम वॉर मेमोरियल के अंदर आए हैं, और आप जो देख रहे हैं वहाँ पे नेवी के जवान हैं और वो खड़े हैं, एकदम कॉन्स्टेंट खड़े हैं, और सामने इंडिया गेट, और ये वॉर मेमोरियल है। तो आप जब भी दिल्ली आए, इंडिया गेट आए, तो ज़रूर इसको भी विज़िट करें। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर आए यहाँ पे भी। ये देखिए हमारे कितने सारे फ्लैग्स भी हैं साइड में, और ये अमर जवान जो ज्योति है यहाँ पे है, सत्यमेव जयते। यहाँ पे अमर जो जवान का जो अमर ज्योति है, वो पहले हम एक बार आए थे तो तभी इंडिया गेट के पास था, पर अभी अमर ज्योत यहाँ पे जब जितने भी बैटल्स हुए थे, पहले वॉर हुए थे, उनकी स्टोरीज और वो जो इंसिडेंट्स हुए थे वो यहाँ पे कार्विंग किए गए हैं। तो वॉर मेमोरियल में आप जब भी आए इसको भी एक्सप्लोर कीजिए, और इंडियन आर्मी इंडियन सोल्जर्स को सल्यूट कीजिए, ट्रिब्यूट दीजिए, क्योंकि वही हमारे कंट्री के रियल हीरोज़ हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि रियल हीरोज़ आर दीज पीपल। तो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू आवर इंडियन आर्मी इंडियन सोल्जर्स।
इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल देख के होने के बाद हम अभी आए हैं लोटस टेम्पल के पास। तो चलिए चल के देखते हैं। बहुत ही धूप है और इस धूप में भी इतने सारे लोग आए हैं, तो चलिए जाके एक्सप्लोर करते हैं लोटस टेम्पल। कड़क धूप है, अराउंड 50 या 55 डिग्री के आसपास रहेगा और इतनी धूप में इस सुंदर नज़ारे को हम एंजॉय तो करना चाहते हैं, पर इतनी धूप में तो हालत ही ख़राब हो रही थी। पर कोई बात नहीं, लोटस टेम्पल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप कभी भी यहाँ पे आए दिल्ली, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी विंटर सीज़न में आए, क्योंकि समर सीज़न में बहुत ही तकलीफ़ होती है धूप के लिए, बहुत कड़क धूप थी। पानी पीते रहिएगा। देखिए कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा और गार्डन। देखिए दूर से अभी हमको लोटस टेम्पल दिख रहा है, कितना सुंदर है ये टेम्पल। इसको पीस हॉल भी बोला जाता है और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे गार्डन और ग्रीनरी बहुत ही सुंदर है। विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम अभी अभी मनाली से हिमाचल से आए हैं, तो यहाँ पे आके धूप से हमारी हालत ख़राब हो रही थी, पर कोई बात नहीं। ये देखिए लोटस टेम्पल, तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल है ये मंदिर। जो टेम्पल का ट्रस्ट है, उन्होंने कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा है इस मंदिर को, इस मंदिर के एनवायरनमेंट को, नज़ारे को। और इस टेम्पल में आप जब भी आए तो साइलेंस मेंटेन रखेगा। अंदर आप जब भी एंटर करेंगे तो वहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं और वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान लगाते हैं यहाँ पे आके। तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि आप जब भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जाए तो उसका क्लीनलीनेस और हाइजीन को ज़रूर मेंटेन रखिए। और हैट्स ऑफ टू द ट्रस्ट, लोटस टेम्पल ट्रस्ट, जिन्होंने इतना क्लीनलीनेस मेंटेन रखा है इस टेम्पल का। तो हाँ, अभी हम चल के थोड़ा मेडिटेट करेंगे टेम्पल के अंदर। हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक थे अंदर और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, हम मेडिटेशन करके बाहर आ गए। और हम अभी निकल जाएंगे टूवर्ड्स दिल्ली, जहाँ पे हम रुके हैं हमारे रिलेटिव्स के इधर, वहाँ पे हम जाके रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड।